हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पाइपिंग फोरमैन और सुपरवाइजर से इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जाता है। जैसे कि आप आउट ऑफ कंट्री के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे क्या क्या इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा, यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, जब आप क्लाइंट को अपना CV और पासपोर्ट देंगे इंटरव्यू के लिए, तो क्लाइंट आपसे सबसे पहले आपका नाम पूछेगा, या फिर आपका फादर का नाम पूछेगा, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है, या फिर आपका गाँव का नाम, या फिर आप पासपोर्ट कहाँ से बनाए हैं और कब बनाए हैं, यह सब पूछ सकता है। तो यह सब आपको याद रखना है अपना पासपोर्ट का डिटेल, ताकि आपका पासपोर्ट वेरीफाई हो सके कि आप ही का पासपोर्ट है और यह ओरिजिनल पासपोर्ट है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन करेगा, क्या आपको पाइपिंग ड्राइंग के बारे में जानकारी है, कौन सा आप ड्राइंग देख सकते हैं। तो आपको बताना है कि हाँ, मुझे 3-4 तरीका का ड्राइंग देखने आता है। इस तरीका से जैसे आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग हो गया, PNID ड्राइंग हो गया, प्लानिंग ड्राइंग हो गया, GAD ड्राइंग हो गया। तो ये सब जो भी आपको ड्राइंग के बारे में पता है वो सब आप बता देंगे। उसके बाद क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि आपका पढ़ाई कितना है और आपका एजुकेशन क्या है, आप क्या क्या कोर्स किए हैं, क्या डिप्लोमा वगैरह किए हैं कि नहीं किए हैं, तो वो सब आपसे पूछ सकता है। जो आपका एजुकेशन है, जितना आप पढ़ाई वगैरह किए हैं, तो आपको अपना CV के साथ वो सब सर्टिफिकेट लगा देना है और आपको बताना होगा कि आप कितना पढ़ाई वगैरह किए हैं, क्या क्या आपका कोर्स वगैरह है। उसके बाद क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है, आप कितने साल से यह लाइन में काम कर रहे हैं। तो आपको अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से बताना है कि मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है। अपने सर्टिफिकेट के बारे में पूरा याद रखना है कि आपका सर्टिफिकेट के हिसाब से कितने साल आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, वो सब आप याद रखेंगे। और क्लाइंट पूछेगा तो उसको बताना होगा कि ताकि पता चलेगा कि आप सही में उतना दिन का आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो मिलाता है। तो CV में तो वैसे भी सारा डिटेल लिखा हुआ रहता है, जैसे एक सर्टिफिकेट में 2 साल का एक्सपीरियंस है, एक सर्टिफिकेट में 1 साल का एक्सपीरियंस है, एक सर्टिफिकेट में 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो टोटल मिला करके कितना साल आपका एक्सपीरियंस है वो सब आपको याद रखना है और वो बता देना है कि आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है। अगर उससे ज़्यादा भी अगर आपका एक्सपीरियंस है, उसका सर्टिफिकेट नहीं है इंडिया में, या फिर अपने गांव में कहीं काम किए हैं, तो वो सब भी आपको बता देना है। तो उसके बाद आपसे क्लाइंट पूछ सकता है कि आपको कौन से काम का एक्सपीरियंस है, आप क्या क्या काम करा सकते हैं। जैसे पूछ लिया कि वर्कशॉप में पाइप फैब्रिकेशन कैसे कराया जाता है, तो आपको देखना होगा कि आपको कौन से काम का एक्सपीरियंस है, आप वर्कशॉप में काम किए हैं या नहीं किए हैं, फैब्रिकेशन वगैरह कराए हैं या नहीं कराए हैं। तो क्लाइंट को आपको इस तरीके से बताना होगा, ड्राइंग के हिसाब से पाइप फैब्रिकेशन करना। पाइप फैब्रिकेशन करने के लिए फैब्रिकेटर को जब हम ड्राइंग और फिटिंग्स देंगे तो वह सब मटेरियल को जांच कर लेना है। पाइप कौन से मेटल का है, पाइप का शेड्यूल क्या है, वह सब हम चेक करके फैब्रिकेटर को देंगे। पाइप फिटिंग्स का क्लास और शेड्यूल देख लेंगे कि वह सब ड्राइंग के हिसाब से मैच कर रहा है या नहीं। और फिटिंग करते समय और वेल्डिंग करते समय ध्यान रखना है, पाइप का जो वेल्डिंग है कितना परसेंट रेडियोग्राफी दिया गया है, तो उसी के हिसाब से हमको फिटिंग और वेल्डिंग कराना होता है। पाइप फैब्रिकेटर जब पाइप फैब्रिकेशन करके देगा तो उसके बाद हम सही तरीका से ड्राइंग के हिसाब से चेक कर लेंगे कि पाइप सही तरीका से फिटिंग हुआ है या नहीं। जिस डायरेक्शन में ड्राइंग में दिया गया है, सेम वही डायरेक्शन में पाइप फिटिंग हुआ है या नहीं। और पाइप फिटिंग होने के बाद क्वालिटी इंचार्ज से हम एक बार जांच करवा लेंगे कि पाइप सही से फिटिंग हुआ है या नहीं, और उसके बाद वेल्डिंग के लिए हम वेल्डर फोरमैन को हैंड ओवर कर देंगे। जब पाइप वेल्डिंग हो जाएगा तो उसके बाद पाइप को रेडियोग्राफी करने के लिए ड्राइंग में हम चेक करेंगे कि लाइन का रेडियोग्राफी दिया गया है या नहीं। अगर रेडियोग्राफी दिया गया है तो कितना परसेंट दिया गया है, तो उसे हम रेडियोग्राफी के लिए भेज देंगे। और उसके बाद ड्राइंग में हम देखेंगे कि किस तरीका का हाइड्रो टेस्टिंग दिया गया है। तो 2 तरीका का हाइड्रो टेस्टिंग होता है। एक होता है जैसे हाइड्रो टेस्टिंग, जो पानी के द्वारा टेस्ट किया जाता है कंप्रेसर और हाइडर लगाकर, और दूसरा होता है न्यूमेटिक टेस्टिंग, जो एयर टेस्टिंग होता है एयर कंप्रेसर के जरिए। हाइड्रो टेस्टिंग होने के बाद लाइन को पेंटिंग के लिए भेज देंगे, और जो जो प्रोसेस होता जाएगा क्वालिटी इंचार्ज से हम सिग्नेचर ड्राइंग पर लेते जाएंगे और उसका रिपोर्ट बनाते जाएंगे। अब आपसे क्लाइंट पूछ सकता है कि आप कितना टीम हैंडल कर सकते हैं फिटर और फैब्रिकेटर का, तो आपको जवाब देना है 4 या 5 टीम को मैं हैंडल कर सकता हूँ। अब आपसे क्लाइंट यह पूछ सकता है कि एक टीम में
कौन से ट्रेड का वर्कर चाहिए, तो आपको इस तरीके से बताना है, एक फैब्रिकेटर, एक फिटर जिसे ग्राइंडिंग मशीन चलाने आता हो, और एक वेल्डर और एक रिगर, ये एक टीम हो जाएगा। इस तरीके का मुझे चार टीम होना चाहिए और चार टीम के साथ एक गैस कटर होना चाहिए पाइप फैब्रिकेशन करने के लिए। अब आपसे क्लाइंट यह पूछ सकता है कि आप एक दिन में चार टीम के साथ कितना प्रोडक्शन दे सकते हैं, तो आपको जवाब देना है, एक इंच से लेकर के 10 इंच तक का अगर लाइन है, एक दिन में 200 इंची डाया से लेकर के 800 इंची डाया तक पाइप फिटिंग प्रोडक्शन निकल सकता है। अगर 10 इंच से लेकर के 50 इंच तक का लाइन है, तो एक दिन में चार टीम के साथ 800 इंची डाया से लेकर 1500 इंची डाया तक फिटिंग प्रोडक्शन निकल सकता है। उसके बाद आपसे क्लाइंट पूछेगा, प्लांट के अंदर काम किस तरीके से कराया जाता है या फिर पाइप इरेक्शन कैसे होता है। जब हम प्लांट के अंदर जॉब शुरू करने जाएंगे तो सबसे पहले वर्क परमिट बनाएंगे प्लांट में, जिस एरिया में हमें काम करना है। अगर विदाउट परमिट का काम हो रहा है तब कोई बात नहीं है, बिना परमिट का ही हम काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम ड्राइंग के हिसाब से जिस लाइन का हमें इरेक्शन कराना है उस स्पूल को इकट्ठा करेंगे और एक एक करके इरेक्शन कराएंगे। पाइप रेक में देखेंगे नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन, यह सब ड्राइंग में चेक करेंगे और पाइप इरेक्शन कराएंगे। और पाइप इरेक्शन करने से पहले देख लेंगे कि दो तीन स्पूल को अगर एक साथ जोड़कर अगर इरेक्शन कर सकते हैं तो उसे हम नीचे ही दो तीन स्पूल को हम जोड़कर और उसके बाद पाइप को इरेक्शन करेंगे। पाइप इरेक्शन के काम में हमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होता है। अगर ऊंचाई का काम करना हो तो सभी वर्कर के पास सेफ्टी बेल्ट और हेलमेट और सेफ्टी शू होना चाहिए, तभी हम काम शुरू करेंगे। इसके बाद आपसे क्लाइंट यह पूछ सकता है, तो पाइप इरेक्शन कराने के लिए आप कितना टीम हैंडल कर सकते हैं, तो आपको जवाब देना है, पाइप इरेक्शन कराने के लिए हम 4 से 5 टीम को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद आपसे क्लाइंट पूछेगा, एक टीम में कौन कौन से ट्रेड का और कितना वर्कर होना चाहिए, तो एक टीम में एक फैब्रिकेटर और एक फिटर और 3 या 4 रिगर होना चाहिए, और उसके साथ एक वेल्डर रहेगा टैकिंग वगैरह मारने के लिए। तो उसके बाद हम इस तरीका का 4 से 5 हम टीम बनाएंगे। उसके बाद आपसे क्लाइंट यह पूछ सकता है, तो आप चार टीम के साथ कितना स्पूल इरेक्शन करा सकते हैं एक दिन में, तो आपको इस तरीका से जवाब देना है, एक टीम एक दिन में मिनिमम 5 से 10 स्पूल इरेक्शन कर सकता है और चार टीम मिनिमम 30 से 50 स्पूल इरेक्शन कर सकता है। और इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद अब आता है आपका सैलरी के बारे में, तो आपसे क्लाइंट पूछ सकता है कि आप जो कंपनी में काम कर रहे थे वहां आपको कितना सैलरी मिल रहा था, तो अब आपको देखना है कि आपको कितना सैलरी चाहिए। पिछला सैलरी जो कंपनी में आपको मिल रहा था उसके हिसाब से आप थोड़ा ऊपर नीचे बता सकते हैं कि मुझे इतना सैलरी मिल रहा था, ताकि क्लाइंट जो है अनुमान लगाता है कि आपको कितना सैलरी अब देना चाहिए और पहले आप कितना कमा रहे थे। फिर आपसे क्लाइंट पूछेगा, अभी आपको कितना सैलरी चाहिए, तब आपको देखना है कि किस कंट्री के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसी कंट्री का पैसा आपको बताना है, मुझे इतना केडी या इतना डॉलर या फिर इतना दिनार या फिर इतना दरहम मुझे चाहिए। तो आपको देख लेना है, मिनिमम 50,000 से लेकर के 80,000 तक आप अपना सैलरी बता सकते हैं और उसे कन्वर्ट कर लेना है। जिस कंट्री में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसी कंट्री का आपको बताना है कि मुझे इतना केडी या फिर इतना दिनार या फिर इतना डॉलर या फिर इतना दरहम मुझे चाहिए, उसी कंट्री का आपको कन्वर्ट कर लेना है। जैसे 50,000 आपको सैलरी बताना है तो 50,000 को आपको जिस कंट्री का इंटरव्यू दे रहे हैं उसका कन्वर्ट कर लेना है। आपको पहले से ये सब हिसाब जोड़ के रखना है कि मुझे कितना सैलरी मिलना चाहिए। अगर आपको 1 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए, जो भी आपका सैलरी है वो आप उसी कंट्री का कन्वर्ट करके आप उसको बताएंगे कि मुझे इतना सैलरी चाहिए। तो फ्रेंड, अगर आपको इसमें कुछ कमी लग रहा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और मैं अपने वेबसाइट पर इसमें और भी अपडेट कर दूंगा। इसको विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं, fabricatorguide.com वेबसाइट का नाम है, यहीं पर मैं ये सब डाल के रखा हूँ। यहाँ पर आइए और विस्तार से पढ़िए और इसमें जो भी कमी लगता हो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसमें अपडेट और करता रहूँगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरीका से वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और नीचे इस तरीका का रेड बटन होगा उसे आप दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।